हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनन पबजी गर्ल गेमर। तो गाइस, आज आप लोग को मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने ग्राफिक्स को गाइस HDR या फिर अल्ट्रा HD कर सकते हो। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा मेरा जो ग्राफिक्स है वो कभी बैलेंस्ड के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आज मैं आपको उसे करके दिखाऊंगी गाइस। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको मैंने लिंक दे रखी है, जो टूल आपको लोड करना है वो है GFX टूल। और गाइज, उसको लोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन होगा। तो ये कुछ एसेस मांगेगा आपसे, हो तो आपको उसे अलाउ कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ ऊपर सबसे पहले लिखा है सेलेक्ट वर्जन, आपका जो भी वर्जन हो गाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लो आप, और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट करना। तो गाइज, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसको बैन, मतलब इसको यूज़ करने से बैन हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो FAQ, आप इसको रीड करो पूरा, यहाँ साफ लिखा है ये एंटी बैन है गाइज, और इसको कई मिलियन यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपका बैन का कोई भी डर नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हो रेजोल्यूशन में कितना हाई दिया हुआ है, आपको जितना चाहिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे तो सिर्फ HDR ही चाहिए, मैं उससे ज़्यादा नहीं चाहती। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए आप यहाँ से ग्राफिक्स या रेजोल्यूशन, जितना आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर FPS 30 रखना चाहूँगी, आप चाहो तो 60 रख सकते हो। अगर आप में से किसी को पता हो कि एंटी एलाइजिंग क्या है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो गाइज, अगली जो आप देख सकते हो वो है स्टाइल। स्टाइल में मेरे अकॉर्डिंग क्लासिक सबसे बेस्ट है, आपको कौन सा पसंद है आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है अपना रेंडरिंग क्वालिटी, मैं इसको लो पे रखना चाहूँगी। हम सभी को पता ही होगा रेंडर लैग के बारे में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए रेंडर लैग, तो उसके अकॉर्डिंग आप लो, मीडियम या फिर हाई कुछ भी रख सकते हो। आप देख सकते हो उसमें शेडो का ऑप्शन नहीं दिया है, बट आप अपने सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हो, वहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। शेडो ऑन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई, आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं हमारे सामने, जो कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर रही हूँ, और आपको जैसे इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे, जैसी आपकी चॉइस होगी गाइज, उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने किया है, ज़रूरी नहीं कि आप वो सब करें। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो आप देख सकते हो हमारे सामने नीचे देख रहे हो, साउंड क्वालिटी का ऑप्शन है गाइज, यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे, बट वो पबजी मोबाइल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने इसको अल्ट्रा इसको कर दिया है, बट मैंने जब इसको ऑन किया था वो नहीं हुआ था, वो मीडियम पर ही था, क्योंकि गाइज इसके लिए पेड मांग रहा है, और आपको यहाँ पे करने पर ही ये आपको अल्ट्रा देगा। और अगर आप चाहते हो कि फ्री में आप उसे अल्ट्रा पे कर दो, तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कमेंट में लिखना होगा कि आप जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हो अल्ट्रा पे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो गाइज, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर लो। और गाइज, उसके बाद आप देख सकते हो नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो, और नीचे देखो रन गेम, यानी आपको गेम जो है यहीं से फर्स्ट टाइम चलानी होगी। और आप देख सकते हो मैंने ओपन किया गेम, तो देखो यार पहले बैलेंस्ड हुआ करता था कभी, और इस वक्त जो है HDR है आप देख सकते हो। और साथ ही गाइज, जो नीचे फ्रेम रेट आप देख रहे हो वो भी आप इसे बढ़ा सकते हो, पहले मेरा ये बिल्कुल नहीं बढ़ता था, बट अब मैं इसको हाई भी कर सकते हो। और गाइज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी ट्रिक है, अगर आपका भी जो ग्राफिक्स है नहीं बढ़ता तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो इस टूल की मदद से। तो हमने टूल में देखा था कि हमें शेडो का ऑप्शन नहीं मिला था, तो आप देख सकते हो इसी में आपको ग्राफिक्स के नीचे आप जैसे आओगे, आप देखो यहाँ शेडो देख रहे हो, या आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइज, यहाँ पे जो हमने FPS मैंने 30 किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आप देख सकते हो जब वो फ्लैक्चुएट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट, अगर करना चाहते हो आप तो उसे इनेबल कर दीजिएगा, आपका ऑटो जो है एडजस्ट हो जाएगा अगर FPS ऊपर नीचे हुआ तो। तो दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, जब हम इसे HDR या अल्ट्रा कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेट है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी जो है हमारा इजीली जो जब हम गेम खेलेंगे तो वो सब अपलोड हो सकता है। आप देख सकते हो मैंने कहा था कि अल्ट्रा नहीं हुआ है, साउंड वो इस वक्त हाई ही है, तो मैंने ट्राई किया था बट नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप चाहते हो वाकई में मैं उसे अल्ट्रा फ्री में करके दिखाऊँ, तो गाइस प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।